प्रकृति ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इंसान अपने लालच और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को जितनी तेजी से हानि पहुंचाता जा रहा है, उसके चलते इंसान खुद आने वाले समय में प्रकृति की मार को झेलने वाला है और झेल भी रहा है। जैसा हमें हाल ही में जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके चलते एक तरफ देश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के जंगलों में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आप लोगों ने दिल्ली की यमुना नदी में देखा होगा, जहां नदी में शामिल विषैले पदार्थ सफेद झाग यानी टॉक्सिक फॉर्म के रूप में नदी की सतह पर तैरते दिखाई देते हैं, जिसे कई लोग बर्फ भी समझ लेते हैं। ये हाल सिर्फ अपने देश का ही नहीं, विदेशों में भी है। आज हम आपको अर्जेंटीना की एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे, जिसने प्रदूषण के चलते अपना रंग ही बदल लिया। अर्जेंटीना के दक्षिणी पैटागोनिया इलाके में एक विशाल झील का पानी ही गुलाबी हो गया। ये कोई प्रकृति चमत्कार नहीं, यह एक इंसानी चमत्कार है, जिसके चलते झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया, जिसे पिंक पॉल्यूशन का नाम दिया गया है। इस पिंक पॉल्यूशन की वजह से वहां के लोग, पशु पक्षियों, यहां तक कि पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में आ चुका है। विशेषज्ञों और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है कि इस झील के गुलाबी होने की वजह एक केमिकल है। सोडियम सल्फाइड के प्रयोग ने पूरी झील के पानी को दूषित कर दिया। इस केमिकल का इस्तेमाल अधिकतर मछली के एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस झील के पानी का रंग सोडियम सल्फेट की वजह से हुआ है, जो एक एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल मछलियों की फैक्ट्रियों में किया जाता है। स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि नदी और झील के आसपास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कई चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये दक्षिणी पैटागोनिया इलाके में स्थित चुबुटा नदी है, जो गॉल्फो लगून में जाके मिलती है। इस नदी के किनारे ही स्थित द टिबेल इंडस्ट्रियल प्लांट है। इस प्लांट में सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है, ताकि प्रॉन्स एक्सपोर्ट के लिए प्रॉन्स को बैक्टीरिया से बचाया जा सके।